क्या आपका गैस पीले रंग का जलता है? क्या आपका बर्तन काला पड़ जाता है? तो घबराइए मत, बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि रसोई घर में जो गैस चूल्हे में आग जलती है वो आग हल्के नीले रंग की जलती है, लेकिन कभी कभी हमारे गैस चूल्हे की आग हल्के पीले रंग की जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं उस बर्तन का निचला हिस्सा काला पड़ जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि गैस चूल्हे में पीले रंग की आग तीन कारण से जलती है। इन तीन कारण में से शुरू के जो दो कारण हैं वो छोटे मोटे कारण हैं जिन्हें आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा कारण है वही मेन कारण है और जिसे ठीक करने में आप लोगों को थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इन तीनों कारण को ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि आपके गैस सिलेंडर में गैस बहुत ही कम मात्रा में बची हो, यानी जब गैस खत्म होने वाला होता है तब गैस हल्का पीले रंग का जलने लगता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में या तो आप अपने सिलेंडर को बदल दें या नहीं तो एक दो दिन रुक जाइए, जब गैस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब सिलेंडर को बदल दीजिए। और दूसरा कारण यह है कि जो गैस पर जाली लगी होती है यानी जाली वाला बर्नर, इनके छेदों में कभी कभी कुछ फंस जाता है जिसकी वजह से भी गैस का रंग पीला हो जाता है। इसलिए कभी कभी बर्नर को भी साफ करते रहिए ताकि बर्नर के सभी छिद्र यानी सभी छेद खुले रहें। और तीसरा तथा मेन कारण यह है कि, चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि तीसरा कारण क्या है। सबसे पहले आप चूल्हे को उल्टा कर लेंगे, लेकिन इससे पहले गैस सिलेंडर से गैस रेगुलेटर को हम अलग कर देंगे ताकि बिल्कुल सेफ हो जाए। उसके बाद गैस चूल्हे पे जो कुछ आइटम रखा हुआ है, जैसे ये इसका स्टैंड है यानी बेस, बर्नर, ये सबको हम हटा लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गैस ट्यूब है यानी इसको एम्प्टी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है मिक्सिंग ट्यूब, इसको हम सबसे पहले खोल लेंगे। तो इसको खोलने के लिए यहाँ देखिए एक नट दिया है, ये नट लंबा सा होता है, ये हाथ से ही खुल जाता है। अगर हाथ से नहीं खुलता है तो प्लास का सहायता ले सकते हैं। देखिए, मैं हाथ से ही खोल रहा हूँ, ये खुल जा रहा है। नट खोलने के बाद इस एम्प्टी को बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, ये है नोजल, इसका नाम है नोजल, कुछ लोग इसको निपुल बोलते हैं। इसी नोजल से गैस बाहर आता है और एम्प्टी से होते हुए बर्नर तक गैस जाता है और वहाँ पे जलता है। जो गैस चूल्हा पीले रंग का जलता है उसका मुख्य कारण है ये नोजल। तो चलिए सबसे पहले मैं इस नोजल को खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आता है। इस नोजल को खोलने के लिए यदि आपके पास 8 नंबर 9 नंबर का रिंच है तो उससे खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लास की मदद से इसको खोल सकते हैं। चलिए मैं प्लास से इसको खोल लेता हूँ। जब आप नोजल को खोलेंगे तो थोड़ा ध्यान से खोलिए, कहीं ये टूट न जाए, क्योंकि ये पीतल का बना होता है, बिल्कुल नाजुक होता है। यदि ये इसमें टूट गया तो समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि नोजल का दाम है 5 से 10 रुपया। लेकिन अगर इसमें टूट गया तो ये पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 200 से 250 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से खोलिए। तो यहाँ पर मैंने नोजल को खोल लिया है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये नोजल 4 साइज में आता है। सबसे छोटा साइज होता है 58 नंबर, उससे बड़ा 65 नंबर, उससे बड़ा 77 नंबर, और सबसे बड़ा होता है 85 नंबर। तो मेरे हाथ में जो नोजल है यानी मेरे इस गैस चूल्हे में जो नोजल लगा था ये 85 नंबर का नोजल है, यानी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा होने की वजह से इसमें छेदा जो है सबसे बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नोजल की जगह इससे कम नंबर वाला नोजल लगा देंगे, यानी 85 के जगह 77 नंबर का इसमें नोजल लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे गैस चूल्हे में जो पहले नोजल लगा था वो 85 नंबर का था, और यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में है ये है 77 नंबर का। तो हम 85 नंबर वाले नोजल को साइड में रख देंगे और इस 77 नंबर वाले नोजल को हम अपने गैस चूल्हे में लगा देंगे। दोस्तों, इस नोजल को कम नंबर का लगाने से फायदा ये होगा कि इस नोजल से गैस थोड़ा कम मात्रा में निकलेगी, जिसकी वजह से गैस सही प्रकार से जलेगा, गैस में पीलापन नहीं होगा। तो चलिए मैं इस नोजल को लगा देता हूँ, और लगाते टाइम भी इसको ध्यान से लगाना है, कहीं ये टूट ना जाए। तो यहाँ पर मैंने नोजल को लगा दिया है, हल्का सा प्लास की मदद से इसको टाइट कर लेता हूँ, एम्प्टी पाइप को लगा दूंगा, और एम्प्टी पाइप लगाने के बाद इसके नट को मैं टाइट कर देता हूँ।
तो यहां पर एम्प्टी पाइप भी लग गया है। अब मैं गैस चूल्हा को सीधा कर लेता हूँ। गैस चूल्हा सीधा करने के बाद इस पर का जो भी आइटम है यानी स्टैंड और बर्नर, इन सबको मैं लगा देता हूँ। अब चलिए गैस सिलेंडर में रेगुलेटर को लगा देता हूँ और उसके बाद गैस चूल्हा को जला कर देखता हूँ कि जो गैस चूल्हा से पीले रंग का आग जलता था वो ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस गैस चूल्हा से कुछ देर पहले गैस जो जल रही थी वो बिल्कुल पीले रंग की जल रही थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में जल रही थी, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल सही मात्रा में जल रही है और हल्के नीले रंग का ही गैस जल रहा है, यानी हमारा गैस चूल्हा सही हो चुका है। अब जब भी हम गैस चूल्हा पे खाना बनाएंगे तो बर्तन काला नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही तीन कारण थे जिसके वजह से गैस चूल्हे में पीले रंग की आग जलती थी, जिसकी वजह से बर्तन काले पड़ जाते थे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटा सा घंटी आएगा उसको जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की एक नई जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।